तो सर्किट विथ कैपेसिटर डायोड एंड रेजिस्टेंस का एक एप्लीकेशन और है. दिस सर्किट्स आर नोन एज वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स. और वोल्टेज मल्टीप्लायर्स वो सर्किट है कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल है इनपुट, कोई सिग्नल है जिसका मैक्सिमम वैल्यू है Vm और 1 वोल्ट, तो उस 1 वोल्ट सिग्नल को, वो चाहे एसी सिग्नल है, उसको मैं डीसी में कन्वर्ट कर सकता हूं, 2 वोल्ट डीसी, 3 वोल्ट डीसी, 4 वोल्ट डीसी. और बड़ा सिंपल सर्किट है, किसी ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको. कैपेसिटर का क्वालिटी अच्छा हो, मतलब वो ब्रेकडाउन में ना जाए, और डायोड का क्वालिटी अगर अच्छा हो तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का लो कॉस्ट वोल्टेज डबलर सर्किट मिल सकता है आपको. वोल्टेज डबलर कैसे बनाएंगे जरा ध्यान रखें. वोल्टेज डबलर बनाने के लिए मेरे पास दो सर्किट का कॉम्बिनेशन है. एक सर्किट है मेरे पास क्लैंपर, और दूसरा सर्किट है वोल्ट पीक डिटेक्टर. तो जरा कैसे काम करेगा वोल्टेज डबलर सर्किट जरा देखते हैं कि अगर मेरे पास एक सर्किट है, दैट सर्किट इज इनपुट इज वी आई, लेट से दिस सर्किट इज क्लैंपर, और क्लैंपर का जो भी आउटपुट मिलेगा है ना, अगर मेरे पास इनपुट कुछ ऐसा है तो क्लैंपर का आउटपुट क्या क्या पॉसिबल है, दो पॉसिबिलिटीज है क्लैंपर के आउटपुट के लिए. अगर पॉजिटिव क्लैंपर हुआ तो आउटपुट मुझे मिलेगा, इन केस ऑफ पॉजिटिव क्लैंपिंग, और अगर नेगेटिव क्लैंपिंग हुई तो आउटपुट मुझे मिलेगा कुछ ऐसा. ये जो आउटपुट मिला है, इस आउटपुट को मैं एक डाल देता हूं पीक डिटेक्टर सर्किट में, और अगर पीक डिटेक्टर सर्किट में अगर इस आउटपुट को डाला है मैंने एज ए इनपुट, तो ये मेरे पास अगला सर्किट है पीक डिटेक्टर. और पीक डिटेक्टर सर्किट का आउटपुट अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो आउटपुट मुझे मिलेगा, लेट से दिस इज आउटपुट ऑफ पीक डिटेक्टर सर्किट, तो इस सर्किट का पीक कितने पे मिला है मुझे, 2 Vm पे, तो आउटपुट मिलेगा 2 Vm इन केस ऑफ पॉजिटिव क्लैंपर के केस में. और अगर मैंने नेगेटिव क्लैंपर यूज किया है तो आउटपुट जो पीक डिटेक्टर है वो किसको डिटेक्ट करेगा, -2 Vm को डिटेक्ट करेगा, तो ये डिटेक्ट करेगा -2 Vm को. इस टाइप के जो सर्किट हैं क्लैंपर एंड पीक डिटेक्टर के कॉम्बिनेशन को, दिस सर्किट्स आर नोन एज वोल्टेज डबलर और वोल्टेज मल्टीप्लायर. तो ये सर्किट का जो क्लास है, दिस क्लास ऑफ सर्किट्स आर नोन एज वोल्टेज डबलर सर्किट, वोल्टेज डबलर और मल्टीप्लायर. और वोल्टेज मल्टीप्लायर वो सर्किट है जो आउटपुट पे कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देंगे आपको. ये एसी नहीं है, ये डीसी वोल्टेज है. पीक डिटेक्टर वो सिग्नल है, पीक डिटेक्टर वो सर्किट है जो पीक डिटेक्ट करके उस वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाता है. दिस इज पीक डिटेक्टर आउटपुट, तो आउटपुट मिलेगा आपको 2 Vm कांस्टेंट. अब मैं वोल्टेज मल्टीप्लायर या वोल्टेज डबलर सर्किट के आपको एक दो एग्जांपल करके बताता हूं. देखो वोल्टेज डबलर कैसे बनेगा. सपोज यू वांट टू डिटेक्ट, यू वांट टू कन्वर्ट Vm सिग्नल इनटू टूवाइज ऑफ Vm, है ना, वोल्टेज डबलर. अब ये सर्किट कैसे बनेगा जरा देखते हैं. पहले मुझे Vm से 2 Vm कन्वर्जन करना है. इनपुट है मेरे पास Vm साइन ऑफ ओमेगा टी और कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, वी डोंट केयर, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, लेट से दिस इज माय इनपुट. तो ठीक है, पहला क्लैंपर सर्किट बनाता हूं, जो कि पहला सर्किट में बनाता हूं क्लैंपर सर्किट जो Vm वेवफॉर्म को ऊपर शिफ्ट कर देगा, है ना. माइनस Vm टू प्लस Vm एक वेवफॉर्म है, उस माइनस Vm टू प्लस Vm वेवफॉर्म को 0 to 2 Vm शिफ्ट कर देगा, और फिर लगा देंगे हम उसमें एक पीक डिटेक्टर. तो जरा देखें कि मेरे पास एक सर्किट है, क्लैंपर बना देता हूं, तो दिस पोर्शन इज क्लैंपर. एक कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर में ऊपर वेवफॉर्म शिफ्ट करना है, तो मैंने लगा दिया इस डायरेक्शन में एक डायोड. इस डायरेक्शन में एक डायोड लगाया तो पूरे सिग्नल को ऊपर शिफ्ट कर देगा, मतलब आउटपुट जो मिलेगा इस पॉइंट पे मुझे, इस पॉइंट पे जो आउटपुट मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है. दिस आउटपुट इज ट्वाइस ऑफ Vm. देन अब 2 Vm पे शिफ्ट कर दिया. अब मुझे एक ऐसा सर्किट बनाना है जो 2 Vm को डिटेक्ट कर ले, मतलब एक पीक डिटेक्टर लगाना है. तो जरा आप देखें कि अगर मुझे 2 Vm को डिटेक्ट करना है या पीक डिटेक्ट करना है पॉजिटिव साइड में,
तो क्लैंपर सर्किट में हमेशा आप आउटपुट ले गए डायोड के अक्रॉस, और पीक डिटेक्टर में आउटपुट लेते हैं आप कैपेसिटर के अक्रॉस, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो मैंने पहला सर्किट ही आपको क्या बताया था, पीक डिटेक्टर बताया था। तो बना देते हैं एक सर्किट, और पॉजिटिव पीक को डिटेक्ट करना है तो डायोड लगा देते हैं फॉरवर्ड बायस में इस डायरेक्शन में, और आउटपुट ले लेता हूं मैं कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जब हमने क्लैंपर सर्किट स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया था कि इसका जो ये पार्ट है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वोल्टेज डबलर सर्किट, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ वोल्टेज डबलर सर्किट रिप्रेजेंट्स क्लैंपर, और क्लैंपर क्या करने वाला है कि माइनस वीएम टू प्लस वीएम वाले सिग्नल को टू वीएम में कन्वर्ट करने वाला है। देन उसके बाद जो मैंने सर्किट लगाया है, दिस सर्किट इज नोन एज पीक डिटेक्टर सर्किट, और आप देखिए पॉजिटिव पीक को डिटेक्ट करने के लिए हमने सर्किट डिस्कस किया है, तो दिस इज पीक डिटेक्टर सर्किट। और क्या करेगा ये सर्किट कि जो भी सिग्नल आ रहा था उसके पीक तक जाएगा, जो आपका सिग्नल था वो ये ऐसा कुछ सिग्नल है जो क्लैंपर के आउटपुट से मिला, क्लैंपर के आउटपुट से मिला है। अब उसको उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ वीएम है, तो ये कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा ट्वाइस ऑफ वीएम से, और ट्वाइस वीएम से चार्ज करने के बाद उसी पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा, उसी पॉइंट पे हो जाएगा फिक्स। तो दिस टाइप ऑफ सर्किट्स आर नोन एज वोल्टेज डबलर सर्किट। लेकिन वोल्टेज डबलर सर्किट में जरूरी नहीं है, मतलब मुझे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ वीएम और वो फिक्स मिलेगा इसके बाद। वोल्टेज डबलर सर्किट में जरूरी नहीं कि आपको ट्वाइस ऑफ वीएम मिले, आप माइनस ट्वाइस ऑफ वीएम भी आउटपुट पे ले सकते हैं। जरा उसका भी हम सर्किट बना के देखते हैं। सपोज मेरे पास एक वोल्टेज डबलर सर्किट है जिसमें मुझे रिक्वायरमेंट है वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं माइनस ऑफ टू वीएम। एक वोल्टेज ऐसे वोल्टेज डबलर सर्किट की रिक्वायरमेंट है जो मैक्सिमम वैल्यू को माइनस टू वीएम में कन्वर्ट कर दे और उसी पे कांस्टेंट हो जाए, डीसी मिल जाए आपको। तो अगेन इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि मुझे वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी को माइनस टू वीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक हम बना लेते हैं क्लैंपर सर्किट। तो देखो क्लैंपर बड़ा आसानी से बनेगा, इस पूरी वेवफॉर्म को आपको शिफ्ट करना है नीचे डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में अगर आपको शिफ्ट करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना है, तो यह कैपेसिटर का अरेंजमेंट हुआ जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले, जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं नीचे की तरफ तो डायरेक्ट का डायरेक्शन ये होना चाहिए। अब यहां मेरे पास जो वेवफॉर्म था इनपुट VIT, तो VIT का नेचर था कुछ ऐसा, दिस इज VM एंड दिस इज माइनस VM। नाउ अब मुझे यहां से मिलेगा क्लैम्प्ड आउटपुट, और क्लैम्प्ड आउटपुट कैसा मिलेगा, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू माइनस टू वीएम। अब मुझे इस माइनस टू वीएम को डिटेक्ट करना है और उसी पॉइंट पे कांस्टेंट होना है, तो मैं नेगेटिव को डिटेक्ट करने के लिए, नेगेटिव पीक को डिटेक्ट करने के लिए जो सर्किट बनता है उसको लगा देता हूं। नेगेटिव पीक को डिटेक्ट करने के लिए जो सर्किट बना था वो सर्किट बना था कुछ ऐसा, देन वन कैपेसिटर, और यहां से जो मैं वोल्टेज मिलेगा मुझे, दिस वोल्टेज इज माइनस प्लस टू वीएम। कैसे, क्योंकि मेरे पास एक सर्किट जो दिया है, दिस सर्किट इज ए क्लैंपर सर्किट, और क्लैंपर सर्किट का जो आउटपुट मिलेगा मुझे, दिस इज क्लैंपर एंड दिस सर्किट इज नोन एज, दिस सर्किट इज नोन एज पीक डिटेक्टर। इस बार ये नेगेटिव पीक को डिटेक्ट करेगा, तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, इस कैपेसिटर का वर्किंग क्या रहेगा कि कैपेसिटर चार्ज होगा, आपके पास इनपुट वेवफॉर्म था कुछ ऐसा विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड माइनस टू वीएम तक जा रहा था, माइनस टू वीएम तक जा रहा था, तो आपका कैपेसिटर चार्ज होगा जीरो से माइनस टू वीएम तक, और माइनस टू वीएम पे चार्ज होने के बाद, माइनस टू वीएम पे चार्ज होने के बाद माइनस टू वीएम पे फिक्स हो जाएगा। दिस सर्किट इज नोन एज वोल्टेज डबलर सर्किट, जिसमें मुझे आउटपुट में मिला है माइनस ट्वाइस ऑफ वीएम,
और इससे पहले वाले सर्किट में हमने लिया था आउटपुट में ट्वाइस ऑफ वीएम प्लस ट्वाइस ऑफ वीएम। तो हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ ए वोल्टेज डबलर सर्किट कि वोल्टेज डबलर सर्किट का एनालिसिस कैसा होगा। अभी हमने जो दो सर्किट लगाए थे वो सीरीज में लगाए थे और वो दोनों सर्किट एग्जैक्ट उसी फैशन में तब वर्क कर सकते हैं जब दोनों के जो सेकंड सर्किट है उसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, मतलब कुछ लोडिंग होगी, मतलब आप जब से सर्किट स्टार्ट करेंगे उसके बाद कुछ साइकिल के बाद आपको आउटपुट मिलेगा, जैसा हमने देखा है फर्स्ट साइकिल में ही आउटपुट आपको नहीं मिल जाता। जरा हम उसको एनालाइज करके देखते हैं कि कितने साइकिल्स लगेंगे। तो मेरे पास एक वोल्टेज डबलर सर्किट बनाते हैं, लेट्स से वी वांट टू कन्वर्ट वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू माइनस ट्वाइस ऑफ वीएम। मैं वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी को माइनस ट्वाइस ऑफ वीएम में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो जरा देखें वोल्टेज डबलर सर्किट कैसा बनेगा। तो फर्स्ट सर्किट आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट इज क्लैंपर, और वो क्लैंपर कैसा, जो डाउन साइड में शिफ्ट कर देगा वेवफॉर्म को। तो ठीक है, बना लेते हैं हम एक क्लैंपर बनाया हमने, दिस इज कैपेसिटर सी एंड डायोड इन दिस डायरेक्शन, देन माइनस टू वी जीरो टू माइनस टू वी एम वेवफॉर्म बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पीक डिटेक्ट करना है, और पीक डिटेक्ट करने के लिए मेरे पास जो सर्किट बनेगा वो बनेगा ऐसा, ये माइनस टू वी एम को डिटेक्ट करने के लिए सर्किट का बिहेवियर होगा ऐसा। एंड हेयर वी एक्सपेक्ट माइनस टू टाइम्स ऑफ वी एम, दिस इज कैपेसिटर सी, दिस इज कैपेसिटर सी एंड दिस इज योर इनपुट। व्हाट इज इनपुट, इनपुट इज वी आई टी, एनी इनपुट इज फाइन, या मैं कोई और इनपुट लेके भी बना सकता हूं, थोड़ा आसान हो जाए। लेट्स से दिस इज माय वी आई टी, VM and this is minus VM. इस सर्किट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं माइनस ऑफ ट्वाइस VM में। इनपुट किसी भी नेचर का होगा चलेगा। अब जरा देखें कि सर्किट कैसे वर्क करेगा, इस सर्किट का वर्किंग देखते हैं और कुछ वेवफॉर्म से बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम बनाते हैं सर्किट के लिए, तो डायोड कब कौन कंडक्ट करेगा इसके लिए मुझे फिर से ओपन सर्किट टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो ओपन सर्किट टेस्ट लगाता हूं और मैं डायोड को बना देता हूं। लेट्स से दिस इज, ये लगा रहे हैं हम ओपन सर्किट टेस्ट, तो दिस इज माय वी आई ऑफ टी, देन वी आर हैविंग वन कैपेसिटर, then we are having one diode which is open circuited because we want to apply open circuit test, then we are having one more diode so this is also open and we are having one capacitor. See, fine, एक और important, let's say this diode is D1, this diode is D2, so this is diode D1, we are having diode D1 in this direction, diode D1 को मैं यहां बना लेता हूं कि यह है मेरे पास diode D1 और एक और diode है मेरे पास diode D2, तो diode D2 को भी मैंने बना लिया यहां। तो यह है VA1 और ये है VC1, एनोड 1 कैथोड 1, ये है VA1, ये VA2 एंड दिस इज VC2। नाउ लेट्स अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट और देखते हैं VA1 VC1 का वैल्यू कितना होता है। और मेरे पास जो इनपुट है वो कुछ ऐसा इनपुट है, तो मैं इनपुट बना लेता हूं पहले, दिस इज माय इनपुट, लेट्स से दिस इज VM, this is minus VM, तो
तो मेरे पास इस सर्किट में दो कैपेसिटर है, ये मैंने इनपुट बनाया है, और दो कैपेसिटर है VC1 एंड VC2। तो ये मैं बना देता हूं कैपेसिटर VC1, और एक कैपेसिटर है मेरे पास VC2, और VC2 के अक्रॉस जो भी मिलेगा दैट विल बी द आउटपुट। जरा देखते हैं सर्किट कैसे वर्क करता है, तो मैं सारे वेवफॉर्म्स ड्रॉ करके बताता हूं। तो आई हैव वन कैपेसिटर विच इज VC1, बनाएंगे हम वेवफॉर्म यहां, और वन मोर कैपेसिटर इज अवेलेबल विच इज VC2। तो ये बनाया मैंने VC2T, एंड VC2T इज ऑफकोर्स आउटपुट ऑफ दिस वेवफॉर्म। जरा देखें फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम देखें तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 0 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है 0 वोल्ट। इस कैपेसिटर के इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल है 0 वोल्ट। और अगर आपने अप्लाई, मैं अगर रेफरेंस को अज्यूम कर लूं 0 वोल्ट, दिस इज माई रेफरेंस, एंड लेट से रेफरेंस इज 0 वोल्ट। अगर रेफरेंस को अज्यूम किया 0 वोल्ट, तो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था VIT, तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस पोटेंशियल राइज होगा, और यहां प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 वोल्ट का ड्रॉप है, तो ये होगा VIT। तो पहले केस में एनोड के अक्रॉस पोटेंशियल आया है VIT, और कैथोड के अक्रॉस पोटेंशियल है 0 वोल्ट, और जो पोटेंशियल इसके एनोड पे आया है वो दूसरे डायोड के कैथोड पे आएगा। देखें जरा, ये कनेक्टेड है शॉर्ट सर्किटेड, तो ये आएगा मेरे पास VIT, और दूसरे डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अब ऑन करने की कंडीशन तो मेरे पास है कि VIT का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो D1 ऑन होगा, VIT इज ग्रेटर देन 0, तो ये D1 ऑन होने की कंडीशन है, और D2 ऑन होने का कंडीशन है 0, VIT लेस देन 0, है ना। वो आसानी से हम देख सकते हैं 0 माइनस VIT शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब VIT लेस देन 0, मतलब पहला जो साइकिल है फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 रहेगा ऑन और D2 रहेगा ऑफ। और जरा आप सर्किट में देखें कि डायोड D1 अगर ऑन होगा तो सारा पोटेंशियल किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, कैपेसिटर 1 के अक्रॉस। तो सारा पोटेंशियल अगर कैपेसिटर 1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो D1 अगर ऑन है तो आउटपुट सर्किट में मुझे, और D2 ऑफ है, D2 ऑफ है तो कैपेसिटर कहीं से चार्ज होगा नहीं, तो कैपेसिटर के VC2 के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल मिलेगा 0, तो VC2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कर देता हूं, दैट इज 0। और VC1 का नेचर कैसा होगा, जैसा इनपुट का नेचर होगा वैसा ही VC1 का नेचर होगा। इस सर्किट को देख के आप समझ सकते हैं कि जितना VIT होगा उतना ही VC होगा, जितना VIT लगाएंगे उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा VCT के पास। VCT जो मैं लिख रहा हूं सर्किट में, वो VCT इस पोलरिटी के साथ लिख रहे हैं, दिस इज VC1 एंड दिस इज VC2T। देखते हैं जरा, तो अगर इनपुट गया है VM पे तो VC1 का वोल्टेज भी जाएगा आपके पास वोल्टेज V1 पे, VM पे, ये VM था तो ये भी हो जाएगा VM, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। फर्स्ट साइकिल के लिए रिजल्ट मिला मुझे ये। अब जरा हम आते हैं दूसरी साइकिल पे, सेकेंड हाफ साइकिल, और सेकेंड हाफ साइकिल में हम देखते हैं सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। तो सेकेंड हाफ साइकिल में सर्किट का बिहेवियर देखते हैं। अब एक बार एक कंपोनेंट चार्ज हो चुका है, और वो चार्ज इस बार 0 वोल्ट से नहीं है, अब वो इस बार चार्ज है कितने वैल्यू से, VM वैल्यू से। देखें जरा, VC1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो VM है, यानी VM से चार्ज हुआ है, और VM से अगर चार्ज हुआ है तो इस सर्किट को चलाने के नियम फिर से चेंज होंगे। जरा देखते हैं, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है VI, और यहाँ प्लस से माइनस पोटेंशियल हो रहा है, डाउन नीचे जा रहा है, तो कितना हो जाएगा VIT माइनस VM। तो पहले डायोड के एनोड के पास पोटेंशियल होगा इस बार VIT माइनस VM, कैथोड के पास पोटेंशियल है 0, तो कैथोड के पास पोटेंशियल लिख दिया 0, दूसरे डायोड के कैथोड के पास भी पोटेंशियल है VIT माइनस VM, और एनोड के अक्रॉस पोटेंशियल है अगेन 0 वोल्ट, क्योंकि दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसलिए 0 वोल्ट। अब सर्किट चलाने के नियम फिर से चेंज होंगे कि पहला डायोड कब होगा, वेन VIT माइनस VM इज ग्रेटर देन 0,
या मैं ऐसा बोलूं कि VIT का वैल्यू हो जाए ग्रेटर देन VM। और दूसरा डायोड कब ऑन होगा? व्हेन VIT माइनस VM इज लेस देन जीरो। यहां से हम देख सकते हैं जीरो माइनस दिस इज इक्वलेंट टू ग्रेटर देन जीरो, एनोड माइनस कैथोड। या मैं ऐसा लिख दूं VIT शुड बी लेस देन VM। अगर VIT का वैल्यू VM से कम हुआ, जो कि ऑफ कोर्स है, तो इस बार D2 डायोड होगा ऑन और D1 डायोड होगा ऑफ। और अब जरा देखते हैं कि D2 डायोड अगर ऑन होगा तो सर्किट कैसा बनेगा। जब D2 डायोड ऑन होगा तब सर्किट बनेगा ऐसा। ये मेरे पास है VIT, एक कैपेसिटर है मेरे पास C और एक कैपेसिटर है C, दोनों सीरीज में है। अगर मैं यहां 1 वोल्ट लगाता हूं और दोनों सीरीज में है तो दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क, दोनों पे आ जाएगा हाफ एंड हाफ वोल्ट। जरा देखते हैं अब ये सर्किट कैसे काम करेगा। अभी तक की कहानी ये है कि यहां VM था और यहां पोटेंशियल था 0 वोल्ट। इस बार डायोड D1 है ऑन, D1 है ऑफ, क्योंकि D1 को ऑन होने के लिए VIT ग्रेटर देन VM की रिक्वायरमेंट है और VIT VM से बड़ा नहीं हो सकता। और डायोड D2 होगा ऑन, और डायोड D2 होगा ऑन तो सर्किट बनेगा ऐसा, जैसा कि हम देख सकते हैं ये ऑफ है ये ऑन है, तो दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क। अब पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क क्या करेगा कि जितना भी पोटेंशियल होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो अगर यहां VM लगाया तो यहां भी VM बाई टू, यहां भी VM बाई टू। तो जरा देखें कि मेरे पास जो पहला कैपेसिटर था वो VM से चार्ज था और दूसरा कैपेसिटर है 0 वोल्ट से चार्ज। अब मेरे पास जो पोटेंशियल आया है वो आया है माइनस VM, तो मुझे पता है कि दोनों में इस बार जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा माइनस VM बाई टू, और यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस VM बाय टू। देखें जरा, टोटल पोटेंशियल लगाया था माइनस VM, माइनस VM को दो इक्वल कैपेसिटेंस में अगर डिवाइड करना है तो ये भी माइनस VM बाय टू होगा और C2 कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा माइनस VM बाय टू। अब जरा देखें कि कैपेसिटर पहले के पास VM पहले से था और माइनस VM बाय टू इस बार ड्रॉप हुआ है, तो इस बार जो टोटल पोटेंशियल बचेगा इसके पास बचेगा VM बाय टू। तो ठीक है, मैं बना देता हूं कि कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा दैट पोटेंशियल विल बी VM डिवाइडेड बाय 2 एंड VC2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा दैट पोटेंशियल विल बी माइनस ऑफ VM बाय 2। ठीक है, तो अब मुझे ये वो कंडीशन है जब डायोड D1 था मेरे पास ऑफ और D2 था ऑन, तो मैं देखूं जरा कि VC1 के अक्रॉस जो अब इनिशियल कंडीशन है वो है VM बाय 2 और VC2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिला है मुझे वो मिला है माइनस VM बाय 2। अब दोनों कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं और दोनों कैपेसिटर अगर चार्ज हो चुके हैं तो इनको चलाने का कंडीशन फिर से चेंज होगा। तो जरा देखते हैं चलाने के नियम क्या क्या होंगे इस बार। तो मैं फिर से लिख देता हूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल कि इस बार मेरे पास जो कैपेसिटर 1 है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल स्टोर्ड हुआ है दैट पोटेंशियल इज प्लस माइनस VM बाय 2। यहां से देख सकते हैं आप इनिशियल कंडीशन प्लस माइनस VM बाय 2, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मिला है मुझे दैट पोटेंशियल इज माइनस प्लस VM डिवाइडेड बाय 2। अब मैं डायोड को चलाने के नियम फिर से चेंज करता हूं और फिर से लिखता हूं। जरा देखें आप ध्यान से, डायोड चलाने के नियम फिर से लिखते हैं हम। D1 और D2 दो डायोड हैं, जरा देखें कि मेरे पास सेंसर के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल था VIT और VIT प्लस माइनस गया है, तो यहां का पोटेंशियल गिरेगा कितने से? गिरेगा माइनस VM बाय 2 से। मतलब पहले डायोड के एनोड पे जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल विल बी VIT माइनस ऑफ VM डिवाइडेड बाय 2, और कैथोड तो अभी भी इसका जीरो पे है तो कैथोड का पोटेंशियल कर दिया मैंने जीरो। तो पहले डायोड ऑन होने की कंडीशन है VIT माइनस VM बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी VIT का वैल्यू VM बाय 2 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरे डायोड ऑन होने की कंडीशन क्या होगी कि दूसरे डायोड के कैथोड पे पोटेंशियल कितना है? दूसरे डायोड के कैथोड पे पोटेंशियल है VIT माइनस VM बाय 2, और दूसरे डायोड के एनोड का जो पोटेंशियल है दैट इज माइनस ऑफ VM बाय 2। इसके कैथोड का एनोड का पोटेंशियल है माइनस VM बाय 2 और कैथोड का पोटेंशियल है VIT माइनस VM बाय 2। तो मैं लिख सकता हूं कि माइनस VM बाय 2 एनोड पोटेंशियल माइनस कैथोड पोटेंशियल विच इज VIT
माइनस वी एम बाई टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, वी ए माइनस वी सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, माइनस प्लस कैंसिल और ये मिलेगा वी आई टी शुड बी लेस देन जीरो। तो दोनों कंडीशन के, दोनों डायोड के ऑन होने की कंडीशन आ गई कि वी आई टी अगर वी एम बाई टू से बड़ा हुआ तो डायोड डी वन ऑन, और अगर वी आई टी अगर जीरो से छोटा हुआ तो डी टू ऑन। लेकिन अगली साइकिल में हम देखें तो वी आई टी टू, तो वी आई टी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन वी एम बाई टू है, और ग्रेटर देन अगर वी एम बाई टू है तो डायोड कौन सा ऑन हुआ है, पहला वाला डायोड हुआ है ऑन, और पहला वाला डायोड ऑन हुआ है और दूसरा वाला डायोड ऑफ हुआ है, तो दूसरा वाला डायोड अगर ऑफ है तो इसके डिस्चार्जिंग का कोई पाथ नहीं है, तो आउटपुट फिक्स रहेगा कितने पोटेंशियल पे, तो मैं बना लेता हूं माय आउटपुट विल बी फिक्स, आउटपुट रहेगा इसी पोटेंशियल पे फिक्स, माइनस ऑफ वी एम बाई टू, और पहला जो आपका डायोड था वो अब चार्ज हो जाएगा, पहले इसके पास वी एम बाई टू था और वी एम बाई टू से इस बार है मेरे पास पोटेंशियल वी एम, तो ये इसमें जो ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये वी एम जाएगा, तो ये भी वी एम पे चला जाएगा, तो इस बार ये फिर से चार्ज हो जाएगा कितने से, पोटेंशियल वी एम से। आप फिर से देखें, ये अगर जीरो से वी एम जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट है तो ये फिर वी एम से चार्ज हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन थी जब डायोड था डी वन ऑन और डी टू था ऑफ, तो इस बार मेरे पास जो डायोड है फिर से वो उसी पोटेंशियल से चार्ज हो जाएगा, वी एम से चार्ज हो जाएगा, फाइन। और आउटपुट जो है आपका, आउटपुट अभी भी है माइनस ऑफ वी एम बाई टू पे, तो आउटपुट को भी मैंने ड्रॉ कर दिया माइनस वी एम बाई टू पे। इससे पहले वाला जो कंडीशन था उसमें था डी वन ऑफ और डी टू ऑन, और इससे पहले वाला जो कंडीशन था उसमें था डी वन ऑन डी टू ऑफ। आप देख सकते हैं अल्टरनेट मिलेंगे आपको पूरी साइकिल में और माइनस टू वी एम तक पहुंच जाएगा ये वोल्टेज। नेक्स्ट साइकिल के लिए देखते हैं, नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा। अब कैपेसिटर की चार्जिंग फिर से चेंज हुई है, और कैपेसिटर की चार्जिंग फिर से चेंज हुई है मतलब डायोड चलाने के नियम फिर से लिखाए जाएंगे। तो देखते हैं कि डायोड कैसे चलेगा। ओपन सर्किट वोल्टेज का ही रूल है कि वेनोड माइनस कैथोड ओपन सर्किट होना चाहिए पॉजिटिव, तो जरा कैसे बनेगा देखते हैं इसको। अब मेरे पास VC1 के अक्रॉस पोटेंशियल है VM और यहां पोटेंशियल है माइनस VM बाई टू, तो यहां का पोटेंशियल होगा VIT, पोटेंशियल इंक्रीज देन पोटेंशियल डिक्रीज माइनस VM, सो दैट इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस रहे कितना, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस VM। अब पहले डायोड के एनोड के अक्रॉस का पोटेंशियल आ गया मेरे पास, एनोड के अक्रॉस पोटेंशियल है VIT माइनस VM, और कैथोड के अक्रॉस पोटेंशियल है जीरो। दूसरे डायोड के कैथोड के अक्रॉस पोटेंशियल दिया है मुझे वी आई टी माइनस वी एम, और एनोड के अक्रॉस पोटेंशियल है माइनस ऑफ वी एम बाई टू। ये कंडीशन इन डायोड को ऑन का ऑफ करने की। तो पहला डायोड कब ऑन होगा जरा देखते हैं। पहला डायोड ऑन होगा वेन एवर वी आई टी इज ग्रेटर देन वी एम, विच इज नॉट पॉसिबल, तो पहला डायोड तो ऑफ है। दूसरा डायोड कब ऑन होगा, माइनस वी एम बाई टू एनोड पोटेंशियल माइनस कैथोड पोटेंशियल वी आई टी माइनस वी एम, दिस पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, या मैं ऐसा बोलूं माइनस ऑफ वी एम बाई टू माइनस वी आई टी प्लस वी एम शुड बी ग्रेटर देन जीरो, या मैं ऐसा बोलूं माइनस वी आई टी प्लस वी एम बाई टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, माइनस वी एम बाई टू प्लस वी एम बाई टू इज प्लस वी एम बाई टू, या मैं ऐसा बोलूं वी आई टी माइनस वी एम बाई टू, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो दिस इज लेस देन जीरो, या मैं ऐसा बोलूं वी आई टी शुड बी लेस देन वी एम बाई टू पॉजिटिव। अगर वो वी एम बाई टू से कम हुआ, वी एम बाई टू से कम हुआ तब ये डायोड होगा ऑन, और अगली साइकिल हम देखेंगे ये तो माइनस वी एम है, वी एम बाई टू से तो कम ही है, वी एम बाई टू से कम है तो डायोड हो जाएगा ऑन, और इस बार डायोड ऑन होगा तो फिर पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क आ गया, और पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क आ गया तो पोटेंशियल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें, अब पोटेंशियल आया है आपके पास माइनस वी एम, और पोटेंशियल अगर आया है माइनस वी एम तो माइनस वी एम बाई टू माइनस वी एम बाई टू दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहां मिलेगा मुझे माइनस वी एम बाई टू, और यहां भी मिलेगा मुझे माइनस वी एम बाई टू। इस बार कैपेसिटर वन के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल विल बी वी एम बाई टू, और कैपेसिटर टू के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल विल बी माइनस ऑफ वी एम। तो जरा देखें, इस पॉइंट का पोटेंशियल जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल जाएगा
माइनस वी एम के पास, दिस इज माइनस ऑफ वी एम, और ये मिल जाएगा आपके पास अगेन दिस इज वी एम बाई टू, करेक्ट है। फिर से देखते हैं, अब आपके पास जो दूसरा कैपेसिटर है वो माइनस वी एम वोल्ट से इससे चार्ज हो चुका है, और पहला कैपेसिटर है आपके पास वी एम बाई टू पे, तो इसको अगली लाइन में चलाने के फिर से रूल लिखते हैं, और ये वही कहानी है जब आपके पास डी वन हुआ ऑफ और डी टू हुआ ऑन। इसके बाद वाली साइकिल में क्या होगा जरा करके देखते हैं, इससे बाद वाली साइकिल में क्या होगा, अब मुझे कैपेसिटर वन और टू के अक्रॉस फिर से पोटेंशियल लिखना है, तो कैपेसिटर वन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज वी एम बाई टू, तो मैं लिख देता हूं दिस इज वी एम बाई टू, और कैपेसिटर टू के अक्रॉस भी पोटेंशियल लिखना है, और कैपेसिटर टू के अक्रॉस पोटेंशियल है माइनस प्लस वी एम, अब आपके पास जो पोटेंशियल है दैट इज माइनस ऑफ वी एम। अब जरा डायोड के लिए फिर से कंडीशन लिखते हैं कि अगर यहां पोटेंशियल जीरो से राइज हुआ है तो यह है वी आई टी, और यहां हुआ है प्लस माइनस, ये देखो पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इसका हो जाएगा वैल्यू वी आई टी माइनस वी एम बाई टू, तो एनोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज वी आई टी माइनस वी एम बाई टू, कैथोड के अक्रॉस पोटेंशियल है जीरो, और यहां देखूं मैं दूसरे डायोड के लिए तो पहले डायोड को ऑन करने की कंडीशन हुई वी आई टी इज ग्रेटर देन वी एम बाई टू, और दूसरे डायोड को ऑन करने की कंडीशन हुई माइनस वी एम, क्योंकि कैथोड का जो एनोड का पोटेंशियल है दैट इज माइनस वी एम, कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वो एनोड का पोटेंशियल और कैथोड का पोटेंशियल होगा वी आई टी माइनस वी एम बाय टू, तो माइनस वी एम माइनस ऑफ वी आई टी माइनस वी एम बाय टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और आई शुड से माइनस वी एम माइनस वी आई टी प्लस वी एम बाय टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, माइनस वी आई टी माइनस वी एम बाई टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, वी आई टी प्लस वी एम बाई टू शुड बी लेस देन जीरो, या वी आई टी शुड बी लेस देन माइनस वी एम बाई टू। हम अगली साइकिल को अगर देखें तो अगली साइकिल है पॉजिटिव, यानी माइनस वी एम बाई टू से तो कम नहीं है वो, मतलब डी वन डायोड है ऑन और D2 डायोड होगा ऑफ, क्योंकि VIT अगर VM by 2 से बड़ा है, अगर VM आपका 10 है तो ये 5 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो 10 वोल्ट है, VM by 2 से तो बड़ा ही अगला साइकिल, इस साइकिल की हम बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो डायोड D1 ऑन हुआ, और डायोड D1 अगर ऑन हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो सारा वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज है वो सारा वोल्टेज ड्रॉप होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज गया है Vm, तो ये भी Vm by 2 से कहां चला जाएगा Vm पे चला जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज अभी भी माइनस Vm पे फिक्स रहेगा, तो आउटपुट रहेगा माइनस Vm पे फिक्स, और इनपुट चला जाएगा अगेन Vm पोटेंशियल पे, अगेन ये साइकिल रिपीटेशन में। फिर अगर नेगेटिव पार्ट आया, नेगेटिव पार्ट आया तो ये वी एम से हो जाएगा माइनस ऑफ वी एम, ये वी एम से हो जाएगा माइनस ऑफ वी एम, और ये हो जाएगा आधा, इसको भी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस थ्री बाई टू वी एम। फिर अगली साइकिल में ये चार्ज हो जाएगा वी एम से, और ये माइनस थ्री वी एम पे फिक्स। फिर नेक्स्ट साइकिल में क्या होने वाला है, नेक्स्ट साइकिल में वही कहानी कि ये आ जाएगा अगेन माइनस वी एम पे, और ये आ जाएगा इस बार माइनस ट्वाइस ऑफ वी एम पे। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ वी एम से, उसके बाद चेंजेस नहीं होंगे, जरा इसको करके देखते हैं कि इस बार यहां का पोटेंशियल आया है मेरे पास माइनस ऑफ वी एम बाई टू, सॉरी प्लस वी एम बाई टू, दिस पोटेंशियल इज प्लस वी एम बाई टू, और आउटपुट वोल्टेज मिल गया है मुझे माइनस टू वी एम। इसको चलाने के नियम फिर से देखते हैं, यहां पोटेंशियल मिले मुझे मिलेगा वी आई टी माइनस ऑफ वी एम डिवाइडेड बाई टू, और यहां का पोटेंशियल दिया है माइनस टू वी एम, तो डायोड डी वन के अक्रॉस ये तो ठीक है, डायोड डी टू के अक्रॉस ये है माइनस टू वी एम। अब देखो ये कभी ऑन हो सकता है क्या, जरा देखते हैं, वी आई टी should be greater than Vm by 2, ये तो ऑन हो जाएगा। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस कितना होगा, माइनस टू वी एम माइनस वी आई टी
प्लस Vm by 2 should be greater than 0, Va minus Vc should be greater than 0, या मैं ऐसा लिखूं, minus Vit minus 3 by 2 Vm should be greater than 0, Vit plus 3 by 2 Vm should be less than 0, और Vit should be less than minus 3 by 2 Vm. अब चाहे यहां Vm आ जाए या Vm by 2 आ जाए, दोनों केस में ये डायोड अब D2 कभी ऑन नहीं होने वाला है, और अगर डायोड D2 अब कभी, ये इंपॉसिबल कंडीशन, दिस इज इंपॉसिबल टू अचीव, इसका मतलब डायोड D2 ऑफ है, और D2 ऑफ है तो आउटपुट हमेशा कितना मिलेगा मुझे, माइनस 2 Vm मिलेगा. तो ये एग्जांपल था एक वोल्टेज डबलर सर्किट का, जिसको हमने बना के देखा कि कैपेसिटर 1 के अक्रॉस तो आपको ऑसिलेटरी वेवफॉर्म मिल जाएगी अगर ये इनपुट है, लेकिन कैपेसिटर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होता जाएगा और माइनस 2 Vm पे फिक्स हो जाएगा. ध्यान रखें ये जो वोल्टेज डबलर सर्किट था ये माइनस 2 Vm के लिए बनाया था, अगर इन डायोड का डायोड डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो प्लस 2 Vm के लिए भी बन जाएगा.